इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस पर हमारे साथ बातचीत करने की मौजूद हैं राकेश सिन्हा जी। सर, जिस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकार की जो स्थिति है वो सही नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, भारत विरोधी गतिविधियाँ जब तक पाकिस्तान करता रहा और सफलतापूर्वक करता रहा, तब तक पाकिस्तान के आंतरिक संघर्ष को डाइवर्ट होता रहा। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट हो गई है, भारत विरोधी गतिविधि चाहे कश्मीर हो या बॉर्डर पर समाप्त हो चुकी है, तो वो उसका परिणाम यह हो रहा है कि ये ताकतें स्वयं ही अंतर्द्वंद और अंतर संघर्ष में फंस गई हैं, चाहे मिलिट्री हो या चुनी हुई सरकार हो या चाहे मुल्ला हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी अपने अंत के कगार पर है, जिसको कहते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। बालूचिस्तान अलग होने के लिए तैयार है, पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर में विद्रोह की तैयारी चल रही है, तो तीसरी तरफ सिंध भी अब पाकिस्तान से अलग होने के लिए वहाँ आंदोलन चल रहा है। मुझे लगता है कि मिलिट्री और चुनी हुई सरकार के बीच में संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष अंततः जाकर पाकिस्तान के बिखराव में बदल रहा है। इस समय जिस तरीके की अस्थिरता बनी हुई है वहाँ पर, आप लोग किस तरीके से देख रहे हो, भारत के लिहाज से कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, वहाँ की अस्थिरता उसका आंतरिक मामला जरूर है, लेकिन वह आतंकवादी देश है, आतंकवादी को पैदा करता है। जब भी अस्थिरता होती है तो भारत विरोधी नारे, भारत विरोधी दृष्टिकोण को उस पर छुपा जाता है लोगों का ध्यान बटाने के लिए। लेकिन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को चुस्त दुरुस्त किया है और पाकिस्तान की सीमा पर जिस प्रकार से हमारा नियंत्रण बढ़ा है, उससे लगता है कि हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में समृद्धि हो, स्थिरता हो, लोकतंत्र हो, लेकिन पाकिस्तान का मूल पिंड ही भारत विरोधी घृणा पर आधारित है। जब तक पाकिस्तान अपने मूल पिंड से अलग नहीं होता है और लोकतंत्र को, भारत के प्रति दोस्ताना संबंध को स्वीकार नहीं करता है और भारत की जो पीओपी के अधिकार है उसे नहीं स्वीकार करता है, तब तक पाकिस्तान अस्थिरता और बिखराव के दौर से गुजरता है। अंतिम सवाल, इमरान खान इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें जो हैं उनको अस्थिर करने में जुटी हुई हैं, और उस तरीके का एक लेटर भी वो दिखा रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या उनके अंदर किसी तरीके का खौफ पैदा हो गया? देखिए, इमरान खान आज अपनी ही गलतियों से मारे जा रहे हैं। जब भारत की पहल हुई थी तो इमरान खान चाहते तो एक अच्छी दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। इमरान खान जानते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से तंगी की स्थिति में, बैंकक्रप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, और राजनीतिक रूप से पाकिस्तान में बिखराव की स्थिति है। इमरान खान असफल शासक साबित हुए हैं, और उसकी असफलता इमरान खान की असफलता नहीं है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की विफलता है।